प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और नया दिन, नया सप्ताह और नया महीना परमेश्वर ने हमको दिया है। 2024 के 7 महीने परमेश्वर ने सही सलामत गुजारे, हमें सुरक्षित रखा, जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते रहें, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहें और प्रभु कहें, प्रभु धन्यवाद तेरा कि तूने हमें जीवित रखा और सही सलामत रखा है। नया दिन, नई सुबह, नया सप्ताह, नया महीना, सब कुछ नया दिया है परमेश्वर ने हमको, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी पुरानी चीज़ें नहीं देता है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके समूह को उपस्थित हूँ एक नया संदेश लेकर, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि किस नबी के जो बेटे थे, दो बेटे थे, वो लुच्चे थे। लुच्चे शब्द साफ लिखा है बाइबल में, हिंदी की बाइबल में, तो जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मुझे BBS कोर्स करना, उसके लिए मैं क्या करूँ। BBS का मतलब है बेसिक बाइबल स्टडी, आपके बेस को मजबूत करेगी, आप अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए काम कारगर हो जाएंगे और आप एक अच्छा बेस पाकर परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो सकते हैं। हमारी जो बुक्स हैं उसमें बहुत ही ऐसा बातें हैं जो आपको नया बना देंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। मामूली सी फीस है इसकी, एक साल के कोर्स की, एक साल का कोर्स है, कॉरेस्पेंडेंस कोर्स है, पत्राचार, घर बैठे आपको पढ़ना है, घर बैठे ही आपको एग्ज़ाम देने हैं और घर बैठे ही सारी बुक आपको बाई पोस्ट मिलती रहेंगी। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा और मेरे शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हरेक को आशीषित कर, हरेक की रोग बीमारी, चिंता परेशानी को, दुख तकलीफों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। बहुत से घरों में प्रभु जी लड़ाई झगड़े हैं, कर्जे हैं, मन मुटाव है मेरे परमेश्वर, नशा है, बेरोजगारी है, तलाक की समस्या है, ये सब समस्याएं अपने बच्चों के घरों से दूर कर प्रभु, ताकि वो एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकें। परमपिता परमेश्वर, बहुत से घरों से लोग जो है वो नाराज होकर चले गए या खो गए हैं प्रभु, उनको प्रभु जी वापस उनके घर तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और तेरे नाम को महिमा मिले। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुनकर ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है, कैसे प्रसन्न होगा परमेश्वर, कैसे प्रसन्न होगा, क्या काम किया जाए, कौन सी बलि चढ़ाई जाए, या हम ऐसे कह सकते हैं किस बलि से परमेश्वर प्रसन्न होता है, किस बलि से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं दो वचन आपके सामने रखूंगा और ज़्यादा समय नहीं लूंगा, छोटा सा वचन आज आपके साथ शेयर करूंगा और इसी थोड़ी सी बातों में बहुत सारी बातें आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीका की पुस्तक है, मीका पुराने नियम में एक पुस्तक है, मीका हम उसको देखेंगे, 6 अध्याय और उसका 6, 7 और 8 पद मैं पढ़ूंगा। देखिए क्या लिखा है, 6 अध्याय का 6, 7 और 8 पद, यह लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख जाऊं, सम्मुख मतलब करीब जाऊं, उसके सामने जाऊं, मैं क्या लेकर हम जाएं परमेश्वर के सामने के हम उसे प्रसन्न कर सकें, हम उसे खुश कर सकें, वो हमसे खुश हो जाए। और आगे लिखा है, और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं, क्या लेकर जाऊं और मैं झुकूं कि प्रभु देख मैं ये लेकर आया हूं तेरे लिए, तू प्रसन्न हो जा, तू खुश हो जा मुझसे। और आगे लिखा है, क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख जाऊं, होम बलि के लिए क्या 1 वर्ष के जो बछड़े वो लेकर जाऊं, जैसे कि व्यवस्था बताती है, तो वो लेकर मैं जाऊं। और आगे लिखा है, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा, कि तेल चढ़ाया जाए, मेढ़े चढ़ाए जाए, बलि चढ़ाई जाए, होम बलि चढ़ाई जाए, उससे प्रसन्न होगा परमेश्वर। और आगे लिखा है, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौटे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दे दूं,
यानी कि नरबलि कर दूं, अपने बेटे को बलिदान कर दूं कि मैंने पाप किया, मैंने इसको बलिदान कर दिया है। इस तरह से मीका जो है यहां पर बता रहा है कि क्या लेकर मैं जाऊं कि परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न हो जाए। क्या इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है? नहीं, परमेश्वर जिन बातों से प्रसन्न होता है वो आगे लिखी है। सबसे पहले हम यहां पर रुकेंगे और उसके बाद पहले देखेंगे हम होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 6 पद, उसके बाद हम वापस मीका में आएंगे 6 अध्याय में। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। होम बलियों से, बलियों से, चढ़ावों से, जैसे कि मीका ने वहां पर कहा, मैं तेल की नदियां बहा दूं, मैं अपने बच्चों को बलिदान करके चढ़ा दूं, मैं मेढ़े लेकर आऊं, मैं ये करूं क्या करूं, प्रभु मैं कैसे झुकूं तेरे आगे, मैं कैसे तुझे प्रसन्न करूं। ये सवाल अगर मीका कर रहा है तो दोस्तों ये सवाल मेरे और आपके लिए भी है। हमें भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम किस प्रकार से परमेश्वर को प्रसन्न करें। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा रहन सहन है हमारा, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। इजरायली लोग अच्छा खा रहे थे, बटेरे खा रहे थे, मन्ना खा रहे थे, चट्टान से मीठा पानी पी रहे थे, उनके कपड़े नहीं फटे थे, उनके जूते नहीं फटे थे, पैरों में सूजन नहीं आई थी, एक अच्छा जीवन जी रहे थे, चलते चले जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनसे नाराज था, परमेश्वर उनसे रूठा हुआ था। आइए देखेंगे भजन संहिता 95 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम 8, 9 और 10 पद। देखिए क्या लिखा है यहां पर, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा 40 वर्ष तक 40 वर्ष। ध्यान से सुनिएगा 10 पद को क्या कहता है परमेश्वर का वचन। लिखा है 40 वर्ष तक उस पीढ़ी के लोगों से मैं रूठा रहा। लिखा है 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने उनसे कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। रूठा रहा परमेश्वर, जबकि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, अच्छे कपड़े थे, अच्छे जूते थे, सब कुछ मुहैया करा रहा था परमेश्वर उनको, लेकिन परमेश्वर उनसे रूठा हुआ था, नाराज रहा परमेश्वर उन लोगों से। 40 साल तक नाराजगी में रहा परमेश्वर, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे थे, हर एक बात में बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे और परमेश्वर की बातों को मान नहीं रहे थे और अपनी इच्छा को पूरा कर रहे थे। और उन्होंने यहां तक गुनाह कर डाला था कि जब मूसा पहाड़ पर गया तब उन्होंने हारून को घेर लिया और उससे एक मूर्ति बनवाई और उसकी पूजा करने लगे। तो परमेश्वर उन लोगों से रूठा रहा। हमें भी इस जांचने की जरूरत है दोस्तों कि कहीं परमेश्वर हमसे रूठा हुआ तो नहीं है, कि परमेश्वर हमसे नाराज तो नहीं है। हम परमेश्वर से अपने संबंधों को सुधारें। मनुष्यों से तो हम जब नाराज हो जाते हैं बहुत कोशिश करते हैं, मशक्कत करते हैं कि किसी तरह से ये रूठे हुए मान जाएं, लेकिन क्या परमेश्वर को मनाने की कोशिश की है हमने? परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर कैसे मानेगा? आइए वापस चलते हैं मीका की पुस्तक में 6 अध्याय। यहां पर मीका ने कुछ बात बताई है, वो काम हमको करने होंगे। मैं शुरू से पढ़ूंगा 6, 7 और 8 अध्याय पद को। यहां लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख जाऊं? सवाल कर दे, मैं क्या लेकर जाऊं कि वो प्रसन्न हो जाए? और लिखा, और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं, क्या लेकर जाऊं और झुककर दंडवत करूं, प्रभु देख मैं तेरे लिए ये लेकर आया हूं, तू प्रसन्न हो जा, तू क्यों मुझसे रूठा हुआ है? और आगे कहता है, क्या मैं होमबलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके पास जाऊं? बहुत सारे बछड़े 1 वर्ष के मैं लेकर जाऊं ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। और आगे लिखा है, क्या यहोवा हजारों मेड़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? हजारों मेड़े लेकर जाऊं बलि चढ़ाने के लिए और तेल चढ़ाऊं उसके ऊपर, हजारों नदियों का तेल चढ़ा दूं, ले परमेश्वर मैंने दे दिया, अब तू प्रसन्न हो जा। और आगे कह रहा है, क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जनवाए हुए किसी को दे दूं? क्या मैं ऐसा करूं? दोस्तों परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। हमने होशे नबी 6 अध्याय 6 पद में पढ़ा है कि मैं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं। जैसा प्रेम उस समय हम परमेश्वर से करते हैं जब वो हमें चंगाई देता है, जब हमारी जॉब लगा देता है, जब हमारी शादी करवा देता है, जब हमारा बिजनेस स्टार्ट करवाता है, जब हमारे घर में सुख शांति देता है, जब हमें आशीष देता है, उस समय जैसा प्रेम हमारा होता है परमेश्वर से, वैसा ही प्रेम 1 साल तक हो, 2 साल तक हो, 5 साल, 10 साल
यानी कि हमेशा वैसा ही प्रेम बना रहे। ये नहीं कि परमेश्वर को एटीएम कार्ड की तरह यूज़ किया, पैसे निकाले और कार्ड को वहीं रख दिया। नहीं, परमेश्वर यूज़ करने वाली चीज़ नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है और वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उससे बड़ा कोई नहीं, और उससे पाने के लिए हमें झुकना ही पड़ेगा और वो काम करने पड़ेंगे जो परमेश्वर हमसे चाहता है। यहाँ पर मीका ने कहा है कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, क्या परमेश्वर प्रसन्न होगा? मैं तेल चढ़ा दूँ, मैं मेढ़े चढ़ा दूँ, मैं बछड़े चढ़ा दूँ, मैं अपने बेटे को भी बलिदान करके चढ़ा दूँ, क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा? देखिए क्या लिखा है आगे, 8 पद में हम देखते हैं इसको। लिखा है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, न्याय से काम करे। पहली बात, न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। कोई कठोरता नहीं, कोई घमंड नहीं, कोई अनाप शनाप नहीं, कुछ ऐसी बातें नहीं जिससे परमेश्वर देखे ऐसे करके, अरे ये क्या कर रहा है, मेरे साथ चल रहा है, गलत कामों में लगा। परमेश्वर कहेगा चलो यहां से हटो। परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, 3 बातें यहां पर वो बताता है। वो कहता है कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। इस बात को नोट कर लीजिए, मीका की पुस्तक है 6 अध्याय का 8 पद, इसमें तीन बातें बताई गई हैं दोस्तों। यहाँ पर वो कहता है कि हे मनुष्य, तुझे वो बता चुका है कि अच्छा क्या है, तो ये बातें मेरे और आपके लिए अच्छी हैं ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। क्या बातें हैं? कि यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, हाँ कि हाँ और ना कि ना, न्याय से काम करे। दूसरी बात, कृपा से प्रीति रखे, कृपाल बना रहे, क्योंकि कृपा जो है वो आत्मिक फल का एक हिस्सा है, आत्मिक फल है जो गलातियों 5 अध्याय 22-23 में बताए गए हैं। और उसके बाद तीसरा काम परमेश्वर बताता है कि और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलता रहे। कोई कठोरता नहीं, कोई किसी के ऊपर अधिकार नहीं, किसी के ऊपर उंगली उठाना नहीं, किसी पर दोष लगाना नहीं, किसी को बुरा भला कहना नहीं, किसी की चुगली नहीं करना, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, अच्छे कामों में लिप्त रहना। और लिखा यहोवा इससे क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलता रहे। नम्रता से हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। 3 बातें तो मीका ने बताई हैं, एक बात और है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं और वो है प्रेम। होशे रबे की पुस्तक 6 अध्याय उसका 6 पद कहता है कि मैं होम बलियों से नहीं बल्कि स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, स्थिर प्रेम ही से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो ये बातें, 4 बातें जब हमारे जीवन में होंगी, जब हम परमेश्वर से स्थिर प्रेम रखेंगे, और दूसरी बात है कि यह न्याय से काम करेंगे, कृपा से प्रीति रखेंगे और परमेश्वर के साथ साथ चलते 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 रहेंगे, और लेकिन नम्रता के साथ, ना क्रोध में, ना कठोरता में, ना हटीलेपन में, ना ढीठपन में, नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे, तब परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। और जब परमेश्वर प्रसन्न होगा तब वो हमें क्या गिफ्ट देगा, आइए देखेंगे। भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 11वां पद, यहाँ लिखा है मेरा शत्रु, अब हमारा शत्रु कौन है? मनुष्य हमारा शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु तो शैतान है। लिखा है मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया कि तू मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया, इससे जान जाएंगे हम, जब शैतान हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, हम एक अच्छा प्रतिष्ठित जीवन जिएंगे, हम भले चंगे रहेंगे, प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, तब ये शैतान हमसे दूर भाग जाएगा। और लिखा है कि मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। दोस्तों, परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करें। मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हम बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत मशक्कत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, मैसेज पे मैसेज करते हैं, और वहाँ से जब जवाब नहीं मिलता तो हम इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्रोध में भी आ जाते हैं और विचलित हो जाते हैं कि करें तो करें क्या। ऐसी परिस्थिति में हम कोशिश करते हैं कि किसी को बीच में लाएं और ये सुलह हो जाए हमारी। लेकिन क्या परमेश्वर जब नाराज होता है, हमने परमेश्वर को मनाने का प्रयास किया है, तो कैसे मनाएं परमेश्वर को? इन 4 कामों के द्वारा जो आज हमने वचन से सीखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि किस नबी के बेटे लुच्चे थे? 2 बेटे थे, दोनों लुच्चे थे।
कौन था वो नबी जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है और हमारे बाइबल कॉलेज में जो 12वां बैच है वो शुरू होने वाला है इस महीने के लास्ट में या अक्टूबर के आरंभ में हम इस बैच को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अभी नाम आ रहे हैं हमारे पास, फाइनल लिस्ट बनेगी तब हम इसकी घोषणा डेट की घोषणा करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को करें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी उसी समय मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये चार बातें लिख लीजिए बुक में और उसे याद कीजिए कि ये चार काम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बहुत है, तब बैरी हम पे शत्रु हम पर जयवंत नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हालेलुया।